सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम बाबुल कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज फिर से मैंने एबी प्लेयर का एक न्यू टेम्पलेट किया गया हूँ जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस टेम्पलेट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इस टेम्पलेट में पासवर्ड लगा हुआ जो कि आपको वीडियो में कहीं पर भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस टेम्पलेट को यूज कैसे करना है तो सारा कुछ बताने वाले इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी तरह एक वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए चलते अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। सो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं एबी प्लेयर को, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास एबी प्लेयर एप्लीकेशन नहीं है तो इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर आपको इस डब्बे पर आपको क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। इस डब्बे पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट जो है फ्री में देखने को मिल जाता है, ठीक है। जो कि ये इसके अंदर जो है बहुत सारे टेम्पलेट होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 10 से 15 20 टेम्पलेट जो है यहाँ पे इसके अंदर ऑलरेडी होता है, ठीक है। और ये सब जो टेम्पलेट है ये सब हम लोग को बनाना पड़ता है, खुद से डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया, मैं यहाँ तक आपको बता दिया हूँ। और उसके बाद आपको करना क्या होगा, इस तरह से करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना होगा और यहाँ पर लोड फॉर्म फाइल पर क्लिक करना होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लोड फॉर्म फाइल, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोन का गैलरी खुल जाएगा, जहाँ पे आप इस टेम्पलेट को डाउनलोड करके रखेंगे। सिंपली वहाँ पे जाना होगा और जाने के बाद उस फोल्डर में जाना होगा और उसके बाद इस टेम्पलेट पे आपको क्लिक कर लेना होगा, ठीक है। जैसे इस टेम्पलेट पे आप क्लिक करते हैं, ये जो टेम्पलेट है आपको एबी प्लेयर में ऐड हो जाएगा। और अगर एबी प्लेयर में अगर नहीं ऐड होता, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी टेम्पलेट को बहुत ही आसानी से एवी प्लेयर के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा टेम्पलेट ऐड होके आ चुका है, ठीक है। अब हम इस टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको डिटेल में बताते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टेम्पलेट कुछ इस तरह से है, और ये बहुत ही कमाल टेम्पलेट है, और अभी अभी मैंने इसको बनाया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे भी। और आप लोग भी यूज करेंगे तो आप लोग की भी बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो इसको यूज कैसे करना मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको एडिट करने के लिए यहाँ पे आपको पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना होगा, ठीक है। आपको ऊपर की तरफ पेंसिल के आइकन दिख रहा होगा, तो सिंपली इस पेंसिल पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंज करने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर पर एक इमेज मिलेगा जिसमें लिखा हुआ ऐड बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको जनरल पे क्लिक करना होगा, और जनरल पे क्लिक करने के बाद इसको इनेबल कर लेना होगा, ठीक है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे जो है मेरा पोस्टर आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सेव करके रखा है मैं अपना पोस्टर को, ठीक है। तो इसको इनेबल कर लेना है, और मैं इसको यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। और इतना करने के बाद आपको जो मेरा पोस्टर अभी दिख रहा था उसको चेंज करने के लिए सिंपली यहीं पे आपको इमेज मिलेगा, तो इस इमेज पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा कस्टम इमेज, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और एक और ऑप्शन आपको लास्ट जो है देखने को मिल जाएगा यहाँ पर नीचे में, पिक इमेज, ठीक है। तो आपको पिक इमेज पर क्लिक करना है। पिक इमेज पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपका फ़ोन का गैलरी खुल जाता है, और उस वहाँ से आप किसी भी पोस्टर को लगा सकते हैं, यानी चूज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपको डायरेक्टली आपका यहाँ पे पोस्टर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 DJ का PNG दिख रहा होगा, तो आप चाहें तो इसको यूज भी कर सकते हैं या फिर इसको ऑफ भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ स्पीकर को भी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये दोनों को यूज कैसे करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये जो ब्लर इफेक्ट है, ब्लर इफेक्ट के नीचे स्पीकर दिख रहा होगा और DJ PNG और DJ PNG, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, जैसे हमको स्पीकर यूज नहीं करना, तो हम स्पीकर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जनरल पे क्लिक करेंगे ऊपर, और इसको ऑफ़ कर देंगे, तो यहाँ पर स्पीकर जो है ऑफ़ हो जाएगा।
सेम उसी तरह से दोनों डीजे पीएनजी को भी करना है। अगर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं या फिर इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो, तो पसंद आओ तो लाइक करें, और इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।